कितना गड्ढा अंकल? 1000 फुट। 1000 फुट? सच बताना, सच के सच। अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 1 जनवरी मनाया है तो कम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ हमारे न्यू ब्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत है यार। और चलो आज का भी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। 5 बज रहे और 5 बजे हम लोग रूम के पीछे साइड, जो यार मेन रोड से पीछे साइड हम लोग जा रहे हैं मजा लेने के लिए। क्या क्या है इधर, क्या क्या कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग घूमे नहीं है, तो सोचे चलो आज कहीं घूम के आते हैं। और आज हम जितेंद्र भाई और हम दो ही जा रहे हैं और बाकी सब रूम में सो रहा है। और यार एक्चुअली बात यह ना कि रूम में सोते सोते मजा नहीं आता यार, मजा नहीं आता है। चलो कहीं नया नया जगह जाके देखते हैं आसपास में, उसके बाद दूर दूर तो जाएंगे ही। तो वीडियो पे बने रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना यार। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो लाइक करके जाना, और वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में जरूर कुछ बताना जरूर। तो अभी हम लोग पैदल आराम से जा रहे हैं और बिस्किट खा रहे हैं। देखो इधर क्या है मालूम है? मक्का है, बाजरा है। तो गाइस ये मकई जैसा दिख रहा है ना, ये मकई नहीं है, इसको बाजरा बोलते हैं, बाजरा। और हमारे अगल बगल में ढेर सारी कंपनियां हैं। ये बजाज इलेक्ट्रिक है और ये पता नहीं कौन सा है, नया नया मालूम नहीं है। और हम लोग जा रहे हैं आज आउटसाइड घूमने के लिए। जितना भी घूमेंगे पूरा क्लीन से आप लोगों को दिखाते जाएंगे। और कमेंट में जरूर बताना यार कि कितने लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 1 जनवरी नया साल मनाए। अगर रियली में सच बताना, सच के सच, अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 1 जनवरी मनाया है तो कमेंट में जरूर करना कि हाँ भाई मैंने मनाया है, ताकि मुझे भी पता चले यार कि मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं जो अपनी भी बातें शेयर करती हैं मुझसे। इतना बड़ा बड़ा झाड़ियाँ है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब हम लोग गाँव में घूम रहे हैं। गाँव में गाँव का फीलिंग आ रहा है, मतलब जैसा हम लोग गांव में घुमा करते थे ना, उसी टाइप का लग रहा है। इतना बड़े बड़े झाड़ियों में गांव का फीलिंग आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम जैसे गांव में वीडियो शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं। देखो गाइस वो हमारा पहाड़ है जैसा, मतलब गांव में था ना एक छोटा सा, उसी टाइप का है वहां पे। और एक वहां पे देखो यार, शायद वो क्या है मालूम नहीं शायद वहां पे क्या है उसको, चलो सामने जाके देखते हैं क्या है, मुझे भी मालूम नहीं। लेकिन यार गड्ढा टाइप का दिख रहा है पूरा का पूरा। चलो जितेंद्र चलेगा उधर, तो चलते वहां पे जाके दिखाते हैं आप लोगों को क्या है, मतलब सब कुछ रिसर्च करना पड़ता है यार। एक्चुअली बात ये कि हम लोग शायद ऑफ रोड में पैदल जा रहे हैं। देखो कैसे किस तरह का रास्ता है, क्या करे यार, किधर भी घूमो क्या आजा। अरे है आगे आने, है मिल गया लिखी रास्ता, करीब आ चुके हैं। वाह कितना ब्यूटीफुल नजारा है यार, कितना ब्यूटीफुल नजारा है। यहाँ पे कुछ माइनिंग हो रहा होगा, गड्ढा खुद रहा होगा और एक मतलब तालाब के जैसा में पानी पूरा भरा पड़ा है। अब चलो सामने जाके देखते हैं छूके कितना ठंडा है या नहीं ठंडा है। तो छूके देखते हैं यार कितना ठंडा है या नहीं ठंडा है। हेलो, ये दुर्गा भाई का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। पानी मतलब ठंडा है गांव के जैसा है, जिस तरह हम लोग गांव में मतलब पानी यार जितना ठंडा होता है ना गांव का, उतना ही इधर भी है। लेकिन ये जमा हुआ पानी, ये बहता नहीं है, हाँ बहता नहीं है, बहने का जगह ही नहीं है। इधर पानी जमा है लेकिन नॉर्मल ठंडा है। और इधर का मौसम ना बहुत मस्त है, आराम से थोड़ा हल्का हल्का ठंडा आ रहा है, ठंडा ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने ये कोट डाल रखा है क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, सर्दी भी है, बुखार भी है और क्या क्या है मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। चलो थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट देख लो, उसके बाद आप लोगों को। कसम से गाइस डर लगता है यार, डर लगता है। चला इतने बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं उसके, अरे सिंग बोलते हैं ना, एकदम पूरा सॉलिड सॉलिड सिंग है। इसका नहीं है लेकिन पीछे वाले का पूरा सॉलिड सॉलिड सिंग है।
सोला गांव गांव के बैल को देखोगे ना, गांव के बैल को पूरा एकदम सूखे की तरह है, और इधर के बैल और क्या बोलते हैं यार ब्लू क्या बोलते हैं यार, हम लोग गांव में बोलते थे भैंस वैस सब कुछ बोलते थे, गांव का भाषा बोल रहा हूँ भैंस वैस, तो पूरा एकदम दमदार लुक में और पूरा एकदम लंबा लंबा सिंग है। अब चलो देखता हूँ ना, डर लगता है, डर पूरा डर जाता हूँ यार देखने पे। ये मेरे को तब से देख रही है, गाय है, समझ में नहीं आ रहा क्या करने का विचार है इसको, मेरे को पानी में भिंगाने का विचार है क्या या फिर डुबा देने का। यार ये लोग देखो कैसे नहा रहा है, बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे पानी में मगरमच्छ के जैसे, पूरा थोड़ा सा मुंह दिखाते हैं ना। कितना गड्ढा है अंकल? 1,100 फुट। 1,000 फुट? 1,100 फुट। 1,100 फुट? जेसीबी नीचे जाती तो दिखती नहीं ऊपर से। जेसीबी जाती नहीं दिखती है? इधर से जाती नहीं नीचे से आती है। हाँ। ये ऊपर से दिखती नहीं है? नहीं दिखती है। सीटी जाती छोटी सी ऐसी दिखती है, बहुत गहरा है, नीचे तक नहीं पहुँच पाएगा, मर जाएगा। कितना ये कितना साल पहले हुआ था? बहुत साल पहले, 15 साल। 15 साल? इधर क्या खोल के निकाल रहे थे? पत्थर। तो एक अंकल थे जो कि ये सब बैल वैल चरवाहा थे शायद, हाँ चरवाही थे, इसको बोलते सकते चरवाही बोल सकते हो। तो वही बता रहे थे, मतलब रंजीत जितेंद्र है ना, पूछा कि कितना गड्ढा होगा, तो वो यार सौप मतलब कितना बोला मैं भूल गया यार, मजाक नहीं कर रहा मैं भूल गया, आप लोग वीडियो में सुन लेना उसी के मुंह से कितना गड्ढा है। और ये 15-16 साल पहले हुआ था जो कि पत्थर वत्थर निकालने के लिए किया था। और पानी ना पूरा एकदम ग्रीन टाइप में दिखता है, पूरा ग्रीन टाइप में, अगर सामने से देखो ना ग्रीन टाइप में दिखेगा, और दूर से देखो ना तो थोड़ा सा ब्लैक टाइप में दिखेगा, ठीक है, दूर से देखोगे तो ब्लैक टाइप में और सामने से देखोगे तो ग्रीन टाइप में। इधर टहलने के लिए घूमने के लिए मॉर्निंग के लिए भी आ सकते हैं, और रूम से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 1/2 किलोमीटर होगा, 5 मिनट लगेंगे आने में। वो बड़ा सा कंपनी देख रहा हो ना उसके जस्ट आगे हाईवे है, उधर उसके जस्ट आगे है कंपनी, रूम हम लोगों का रूम उधर ही है। और हमारे जितेंद्र जी हैं जो मतलब भाभी से बात कर रहे हैं, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते और हम लोग आगे का ब्लॉग शूट करते हैं। चाचा ये कितने गहरे होंगे? 40 फुट। 40 फीट? 40-35। ये कौन सी गाय है, कौन सी नस्ल की गाय? तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो चरवाहे थे इधर के अंकल, मतलब वो बोले कि उसके मतलब गाय के मुंह में ना जो ऐसा करके मुंह में कुछ रस्सी का तरह का सब मतलब बना हुआ था जाली टाइप में, वो लगा रहे थे मुंह में, वो इसलिए लगा रहे थे कि यार रोड में जाते टाइम ना ये पन्नी इधर का मतलब पॉलीथीन को पन्नी बोलते, इधर पन्नी खाने लगता है, जिससे कि समझ ही सकते हो कितना हानिकारक गाय वाय को मतलब पहुँचाता होगा। और एक हम लोग हैं जो भाई पन्नी वन्नी जो मन सो खिला देते हैं, खा लेता है, मतलब कुछ देखभाल नहीं करते। और इधर जो मतलब यार सब इधर एक चरवाहा भी ना स्मार्ट तरीके से सब कुछ करता है, और हम लोग गांव के लोग शायद वही करते हैं जो हमेशा हर गांव के लोग करते हैं, मैं भी वही करता हूँ, लेकिन मतलब कहीं नया नया जगह जाने से कुछ सीख मिलता है, और इधर भी आया तो कुछ सीख मिला। हम लोग क्या है मतलब रखते हैं एक डंटा बड़ा सा मारने के लिए, ये लोग डंटा नहीं रखते, जिस तरह घोड़े को लगाम लगा के रखते हैं ना उसी तरह ये घोड़े को लगाम रखते हैं, और दिखाया जैसे वीडियो में दिखाया अंकल अपने ऐसे करके कंधे पे रखा था। और मतलब यार ये लोग ना बहुत ही स्मार्ट तरीके से मतलब सब कुछ करते हैं, तभी तो यार अंकल से पूछे, शायद ये सूट हुआ या नहीं सूटा सूट हुआ मालूम नहीं, लेकिन अंकल से पूछे ना तो एक जो है ना 5-6 किलो से प्लस देता है, जो कि जर्सी गाय नहीं है नॉर्मल गाय है, हम लोग गांव वाला है ना, लेकिन उन लोग से थोड़ा बड़ा है, अच्छा हट्टा खट्टा दिखता है, खाया होगा पूरा मतलब मेरे से पूरा हट्टा खट्टा ज़्यादा दिखता है,
मतलब अच्छा खासा दूध भी देता है, अच्छा खासा हाफ पर डे सुबह शाम अच्छा खासा दूध देता है ये लोग। तबीयत खराब हो गया ना, सारा प्लान चौपट हो गया है, सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। एक मतलब एक मेरा तबीयत खराब होता तो बात की बात है, हम लोग रूम में यार चार लोग का तबीयत खराब था। इसी कारण से ना एक जनवरी तो मनाते नहीं, लेकिन हाँ फिर भी घूमने जाते, क्योंकि यार छुट्टी था उस टाइम, जाते जरूर कहीं अच्छा जगह, लोनेवाला या खंडाला या फिर मुंबई कहीं भी जाते। अब देखते हैं जब भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगेगा, जब भी मौका मिलेगा तब जाएंगे, घूम के आएंगे और आप लोगों के लिए पूरा मस्त मजेदार और खतरनाक अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाएंगे, ब्लॉग बनाऊंगा। क्योंकि यार ब्लॉग ही बनाने के लिए जाता हूँ, इधर भी घूमने के लिए आए हो तो ब्लॉग ही बनाने के लिए आया हूँ। लेकिन जो बोलो यार, इधर आने के बाद ना गांव का फीलिंग आया, दिल खुश हो गया, मजेदार हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं गांव में घूम रहा हूँ, सब कुछ गांव के जैसा फीलिंग हो रहा है। और सूरज देखो अभी तक नहीं ढला है, देखो अभी तक सूरज ढला नहीं है, इधर ना थोड़ा लेट से ढलता है सूरज। हमारे गांव तरफ होता क्या है, 5:30 इतने के बीच में 100% श्योर हूँ कि अभी का टाइम पे सूरज मतलब ढल चुका होगा। और इधर 6 बजने वाले, 5:48 हो रहे, 5:48। और देखो इधर का मौसम ऐसा लग रहा है कि अभी 3:04 बज रहा है। और देखो अभी थोड़ा सा नीचे कैमरा करूंगा तब सूरज दिखेगा, हल्का हल्का दिखता ही है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये इसमें माइंस पत्थर भी निकाला गया है कंपनियों के लिए। अब पूरा एकदम मछली वछली भरा पड़ा है यार, मन कर रहा है एकदम मारू मछली। अब देखते हैं, राजेश तो है, उसको पता चलेगा इधर का हाल, तो 100% श्योर है कि किसी न किसी संडे को आएगा मछली पकड़ने के लिए। नेक्स्ट संडे को आएगा, अगर हम लोग आएंगे बंसी और कांटे लेके आऊंगा मछली, हम लोग आएंगे तो पूरा मछली पकड़ेंगे इधर बंसी से और दिखाएंगे पूरा ब्लॉग में। फ्लावर डटबिंस आटा लेकर आऊंगा साथ में आटा। और इधर ये हो गया ना पानी का, तो अच्छा है यार। आप लोगों को पता ही कि मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे शहर में पानी की कितनी दिक्कत होती है, तो इससे आसपास के गांव का और ठीक ठाक निकल जाता होगा। तो अभी जा रहे हैं हम लोग रूम, क्योंकि यार ज्यादा मतलब नाइट हो जाएगा तो फिर हम लोग को ऑफ रोड ट्रेवलिंग करना पड़ता है गांव के जैसा, तो दिक्कत होगा जाने में, इसी कारण से थोड़ा उजाले में जाता हूँ। और कमेंट में जरूर बताना कि ये छोटा सा ब्लॉग गांव का फीलिंग वाला कैसा लगा, मतलब यार दिल खुश हो गया, मन शांति मिला इधर आके, इधर बहुत ही ज्यादा शांति है। उधर क्या है, सन गाड़ी फन क्या बोलते हैं कंपनी में घें ऐसा कुछ आवाज आते रहता है उधर रूम में, और इधर का मस्त शांति मिलता है यार आने के बाद। तो हाँ, और कमेंट में जरूर बताना कि ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो और भी नए नए मजेदार अच्छे अच्छे नए नए जगहों के ब्लॉग्स आते रहेंगे। और क्या ही बोलो इस ब्लॉग में यार, सारा कुछ तो बोल ही दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू सारे के सारे। और हाँ, नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो लाइक करना, और अगर ये दोनों हो तो भाई पूरा वीडियो फिर से जाके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, लव यू, बाय बाय।